ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रावण मास के पहले दिन ज्वालाजी में स्थित सभी शिवालय भोले के जयकारों से गूंज उठे। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग रहा। इस मौके पर ज्वालाजी के साथ लगते अष्टभुजा मंदिर, शनिदेव मंदिर स्थित शिवालय, हनुमान गली में स्थित शिवालय सहित अन्य मंदिर भी श्रद्धालुओं में पूजा अर्चना में भाग लिया। श्रावण मास के पहले दिन ज्वालाजी में स्थित सभी शिवालय भोले के जयकारों से गूंज उठे। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर ज्वालाजी के साथ लगते अष्टभुजा मंदिर, शनिदेव मंदिर स्थित शिवालय, हनुमान गली में स्थित शिवालय सहित अन्य मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया। भोले के भक्तों ने दूध, जल, बेल, धतूरा व बेल पत्रों से शिव की पूजा आराधना की। इस बीच भक्तों ने भोले के नाम का व्रत भी रखा। इधर मंदिर प्रशासन की ओर से भी शिवालयों को फूलों से सजाया गया था। साथ ही भक्तों की सहूलियत के लिए हिसाब से यहां इंतजाम किए हुए थे। मंदिर में पुजारी अभिनंदन शर्मा व पुजारी संदीप शर्मा छोटेलाल ने विशेष पूजा अर्चना की। ज्वालाजी के लाल शिवालय में अगले सोमवार यानी 29 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी अभिनंदन शर्मा व पुजारी संदीप शर्मा छोटेलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में आयोजित होने वाला ये 52वां भंडारा होगा। उन्होंने बताया कि भंडारे के साथ यहां कार्तिक महादेव की मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही सावन महीने की संक्रांति से शुरू हुआ महाशिव पुराण कथा का समापन 29 जुलाई को किया जाएगा और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की बात कही। पुजारी के अनुसार श्रावण मास शिव भोले शंकर का मास है। ये सावन महीने भोले शंकर को अति प्रिय है। इस महीने में प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और हर तरफ हरियाली होती है। सबसे ज्यादा प्रकृति को प्यार करने वाले भोलेनाथ आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इस मास में रुद्र का पाठ, शिव तांडव पाठ आदि से शिव की उपासना करनी चाहिए। इस मास में शिव जी को बिलपत्र चढ़ाने से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव की मूर्ति के सामने ओम नमो शिवाय का जाप करना चाहिए, जबकि शिवलिंग के पास ओम का जाप का विशेष महत्व है। श्रावण मास में सोमवार की उपवास करने से भी सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वर्ष में सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय महीना है। इस वक्त प्रकृति अपने पूरे यौवन में होती है, हर तरफ हरियाली होती है और सबसे ज़्यादा प्रकृति को प्यार करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। और आज सावन महीने का पहला सोमवार है। सभी भक्तजन भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक कर बेलपत्री चढ़ाकर चलने के भागी बन रहे हैं। और अगला जो सोमवार है, इस दिन मंदिर श्री लाल सोले ज्वालामुखी में गूंजवा वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और साथ में कार्तिक महाराज की मूर्ति की स्थापना उस दिन होगी। और सावन की संक्रांति से शुरू हुआ शिव पुराण का जो पाठ है उस दिन उसकी पूर्णोति होगी, यज्ञ होगा, भंडारा होगा। मैं सभी ज्वालामुखी निवासियों और शिव भक्तों से प्रार्थना करूँगा कि भंडारे में पहुँचे और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। जय शंकर। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम गुरुवारोपमी प्रबंधनात् मृत्युर्मुक्ति मामः। श्री शंकराय नमः, महेश्वराय नमः, महामृत्युंजय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ शंभो।